एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज है, कल मेहंदी थी दीदी की, आज जो अभी जो है शादी, अभी तो हल्दी है, फिर उसके बाद जो है बारात आएगी। तो बने रहे लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। अपने भी लगाना पड़ता है इशू, अपने भी लगा, बस इधर देखिएगा फोकस है, बस हैंड पे टच करके फोटो करवा लो, क्लोज आना थोड़ा, इधर देखिएगा। यहाँ कहीं नहीं था, देख रहे भाई, उन्हें बोल दो पीछे जा, चेयर इधर करना, चेयर पीछे हटा देना, इधर बिठा दो दोनों एक साथ आ जाओ, आ तो जाओ, फोटो तो करवा दो भैया। लगा दे इनके बाल से आप भी साफ कर दोगे ना, कल के साफ कर दो, कल के जाओ पापा, एक और आ जाओ इनके साथ, हम इस सब खेल रहे हैं मां, ये सब कर बैठो, जिन्होंने लगे वो आ जाना था, अब आनी आनी दीदी दीदी थोड़ा साथ नीचे, इधर देखिए फोटो, पतली कमरिया गाना नहीं गाए, लगा लो दूसरी को हल्दी लगा लो, ये छोड़ता है पूरा ढंग से, ठीक है ठीक है। अभी जो है बारिश का मौसम हो गया है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। हल्दी हमने लगा दी है, सब ने, मेरे भी लगाई थी बहुत सारे, मैंने धो ली, साफ सुथरा कर ली। अब जो है खाना खुना खाते हैं। पिक्चर नहीं दवा लाइट साला मेरे पे उस दिन लगा रही मेरे पे बत्ती। पापा क्या पापा का फोन आया तो ना फोन ही ना पा रहा। मैंने पैर उठा दिया। बनाते हैं चलो चलो सीधा यहाँ नहीं गाड़ी नीचे जाने का ना ना फिर थोड़े में जाएगा ना आगे। अच्छा फोटो खींच रहा अरे वहाँ अभी जो है हम घूमने के लिए आ रखे हैं डाकपत्थर बैराज। जो सुना होगा आप लोगों ने जो पीछे देख रहे हो ये शक्ति नहर है और ये मेरा भाई छोटा भाई मामा का बेटा और ये दो बालिकाएँ स्कूल जाती हुई। ये जो देख रहे हो आप शक्ति नहर है मेरे पीछे। दोस्तों अभी जो है हम पहुंचे हैं हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। ठीक है जो आप लोग जो देख रहे हैं ये इधर हिमाचल और ये यहाँ पे जो है उत्तराखंड का बॉर्डर है। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी हम खड़े हैं। ये आपका डाकपत्थर बैराज अगर आपने सुना होगा तो हम अभी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखो पीछे ये पानी छोड़ा हुआ जो बैराज से और ये बैराज है बहुत पुराने समय का है। ये सामने जो है ये हिमाचल है और इधर जो है अपना देहरादून।